क्या आपको पता है ये किस तरीके का नंबर है? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। आपको इस तरीके के नंबर को बीएस सीरीज नंबर कहते हैं। बीएस सीरीज नंबर भारत सीरीज नंबर कहलाती है और इसका यह फ़ायदा है कि हिंदुस्तान में यह गाड़ी कहीं भी रोकी नहीं जाएगी। अगर आपको इस तरीके के नंबर लेने की आवश्यकता है तो इसके लिए आपको कुछ नियम और शर्तें माननी पड़ेगी। पहला नियम कि आप किसी प्राइवेट फॉर्म या गवर्नमेंट जॉब में हो। दूसरा नियम, प्राइवेट फॉर्म या गवर्नमेंट जॉब आपकी ट्रांसफरेबल होनी चाहिए। तीसरा नियम, आपकी कंपनी या गवर्नमेंट जॉब कम से कम 4 राज्यों में होनी चाहिए। नई गाड़ी लेते समय आपको अपना आधार कार्ड, अपना आईडी कार्ड साथ में विभाग द्वारा दिया गया फॉर्म 60 वर्किंग सर्टिफिकेट देना होगा। साथ में इस बात का भी ध्यान भी रखना होगा कि आधार कार्ड पर जिस जिले का एड्रेस होगा इस जिले से आपको गाड़ी भी लेनी होगी। इस नंबर प्लेट पर सबसे पहले आपको 2 गिनती दिखती है जो दर्शाती है गाड़ी किस सन में ली गई है। अगर यहाँ पर 23 लिखा होता है तो इसका मतलब है कि गाड़ी 2023 में ली गई है, और यहाँ अगर 24 लिखा है इसका मतलब यह गाड़ी 2024 में ली गई है। उसके बाद भारत सीरीज का बीएच लिखा, जिसके बाद गाड़ी का रजिस्ट्रेशन क्रमांक लिखा है, और इसके बाद गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सीरीज लिखी है। तो आप समझ ही गए होंगे कि बीएच सीरीज नंबर क्या होता है।